लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग मिले उतना वो निखरता है, हीरे पे जितनी धार चले उतना वो चमकता है, मिट्टी का बर्तन भी पकता है तब जाके धुन पे नचता है। वाह, शार्क्स, समय बहुत बलवान है और आज मैं आपसे आपका थोड़ा सा समय मांगना है। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम गौरव मेहता है, मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूं। नाइस। जयपुर वॉच कंपनी भारत की पहली माइक्रो लग्जरी वॉच ब्रांड है। हमारी शुरुआत 2013 में हुई थी। आज हमारी घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती है बल्कि भारत के इतिहास का एक हिस्सा भी हम उनकी कलाई पे हमारी लिमिटेड एडिशन वॉचेस के माध्यम से मानते हैं। आज हमारी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है भारत के नामी गिरामी सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स एवं कई कॉर्पोरेट जगत के लोग। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री तक के पास में हमारी घड़ी मौजूद है। आज हम स्वयं की वेबसाइट से बेचते हैं, उसके अलावा हम मार्केट प्लेसेस में टाटा क्लिक लग्जरी एवं नाइका ल्यूक्स पे उपलब्ध है। शार्क्स, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से कि भारत से आज तक कितनी लग्जरी ब्रांड्स निकली है, ऐसी ब्रांड्स जिन्होंने दुनिया में अपनी धाक जमाई हो। मेरा एक सपना है, इंडिया प्लस लग्जरी इज इक्वल टू ग्लोबल। मैं आप सबकी मदद चाहता हूं इस सपने को साकार करने के लिए। मेरी आस है आपसे 50 लाख रुपए फॉर 2% ऑफ माई कंपनी। अच्छा जी, तो गौरव मेहता जी, हाँ जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत। 2013 में ऐसा क्या हुआ जो आपने ये काम पकड़ा, जो कि जहन में जल्दी से आता नहीं ये काम करना? सर, ऐसा है, मुझे बचपन से घड़ियों का और सिक्कों का बहुत शौक है। मेरे निजी कलेक्शन में 300 से ज्यादा घड़ियां हैं। और है, तो ये बात है 2012 की। मैं एक घड़ी खोल रहा था। अच्छा। और उसी समय कुरियर के अंदर एक सिक्का आया था, ब्रिटिश इंडिया का सिक्का था जिसमें छेद बना हुआ आता है। हाँ जी। वो इकलौता सिक्का है इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री में जिसमें होल है। हाँ, मैं भी कॉइन कलेक्ट करता था, स्वयं अवेयर होता है। वो इंसिडेंटली पता नहीं मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इसको लगाते घड़ी के अंदर देखते कैसा है, और उसको चिपका के पहन के घूमने लग गया। काफी लोग मुझसे पूछने लग गए, यार ये आपने खरीदी कहाँ से? अरे वाह। मैंने कहा मैंने बनाई। तो बोले यार हमारे लिए भी बना दो। तो इस तरह से लोगों के मेरे पास इनपुट्स आए पॉजिटिव, और फिर मैंने कहा कि अभी जो काम कर रहे मजा नहीं आ रहा है, पैशन तो जो है यही है, और दोनों पैशंस का जो मिक्स मिल रहा है इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो इसके पहले आप क्या करते थे और आपकी अभी उम्र क्या है तेरा? आपका डिटेल 38। कहाँ बड़े हुए, क्या पढ़ाई की? मैं जयपुर शहर से ही हूँ। कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं भी जयपुर से ही। मैं SMS स्कूल से पढ़ा हूँ। आप जेवियर से पढ़े? सेंट जेवियर। हाँ जी। हम भी ओरिजिनली जयपुर से हैं, लेकिन अब बम्बई के राजस्थान से। बिल्कुल। और हम जयपुर घूमने जाते हैं। मैंने अपना मास्टर्स किया है रिस्क मैनेजमेंट में। अच्छा। करीब 8 महीना नौकरी करी, फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो सकती नौकरी। फिर मैंने अपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करी खुद की। हाँ जी। अच्छा जी। उस जर्नी के दौरान ये घड़ी वाला। तो आप क्या कोई जयपुर ज्वेलरी फैमिली से आते हैं? नहीं, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं। अच्छा जी। आपका डिजाइन कौन करता है? आई डू द इनिशियल डिजाइनिंग। कैन वी सी द प्रोडक्ट्स? यस। ये स्टैंप लगा हुआ है, ये बहुत ये पोस्टल स्टैंप है 1938 के। अच्छा। ये थी वो घड़ी जो कोइंसिडेंटली बनी थी। काफी इनोवेटिव वॉचेस है, मतलब काफी सारी डिफरेंट। वेरी नाइस। जरा गौरव जी दो चार घड़ियां यहाँ भी दे देंगे देखने के लिए, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। ये बड़ी सुंदर है, इस पे एक टाइगर बना हुआ है, तो ये आपने बाद में ऐड किया? ये टाइगर बना हुआ नहीं है सर, ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट कॉइन है।
1947 में ये मिंट हुआ था. Very nice. बहुत अच्छी. और ये आपकी सबसे एक्सपेंसिव वॉच है प्रेट कलेक्शन में. Yes. देखिए हम दो कैटेगरीज में काम करते हैं, एक प्रेट और एक बीस्पोक. सो प्रेट कैटेगरीज आर प्री मेड कलेक्शन वेयर वी मेक वॉचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 रुपीज एंड दे गो अप टू 55,000 रुपीज. Then there is a bespoke category where we make made-to-order gold watches. So they start from 1.5 lakh rupees. This is a good idea, gold watches. 1.5 lakhs up to? Maximum we have done is a 24 lakh rupees. 24 lakhs? Yeah. But आजकल एक चीज बताओ मेरे को, बहुत लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ भी जा रहे हैं. Have you ever thought कि इन वॉचेस को भी स्मार्ट बना दें तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल. So it is in pipeline. Good. हम एक हाइब्रिड स्मार्ट वॉच बनाना चाहते हैं. उसके अंदर स्मार्ट बैंड अटैच्ड होगा एक नॉर्मल मैकेनिकल वॉच के साथ. तो सेल्स बताइए और प्रेट और बिस्पोक का स्प्लिट. हमारी लास्ट ईयर की सेल थी 1,07,00,000 रुपए. हमारी अभी तक अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक हमारी सेल है 1,20,00,000 रुपए. प्रेट कलेक्शन हमारा कॉन्ट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ आवर सेल्स. ओके. Bespoke 20% contribute करता है. Profit क्या है इसमें? 75% gross profit है, 25% net profit. तो customer कैसे acquire करते हैं आपका showroom है? हमारे अलग अलग models हैं. जैसे हमारी खुद की website हमारे business का 65% contribute करती है. Online खरीदते हैं लोग? जी. हमारा जयपुर में खुद का एक standalone store है. उसके अलावा हम 8 5-star होटल्स से बेचते हैं अपनी घड़ियाँ. हमारे बिजनेस में एक और एलिमेंट है कॉर्पोरेट बिजनेस. कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रीमियम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का सेगमेंट है. हाँ जी. 150 वॉच करीब आप बेच पाते हैं साल भर में? 150-200 वॉचेस. हाँ जी. प्रेट कलेक्शन ये इतनी कम क्यों है? मतलब मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है. वॉच मार्केट स्पेशली अगर आप खुद को पोजीशन करना चाह रहे हैं एक लग्जरी वॉच मेकर की तरह, उसके लिए बहुत डीप पॉकेट चाहिए. आपने इथॉस को नहीं अप्रोच किया? इथॉस वॉच कंपनी जो है जैसे दिल्ली में जी, या कपूर एंड सन्स? कपूर एंड सन्स हैं. मैं वॉच रिटेलर्स के पास गया था. मैंने उनको बोला आप हमारी घड़ियां रखिए. उनका ये जवाब था कि हम इंडियन वॉच ब्रांड नहीं रखते, हम तो खाली स्विस में डील करते. ये जो माइंडसेट है ये ब्रेक करने के लिए ही मैंने 5-star होटल्स के थ्रू एंट्री करी. स्केलेबिलिटी के लिए एक चीज जो हम अभी करने जा रहे हैं, हम एक इंस्टेंट बीस्पोक वॉच का कंसेप्ट ला रहे हैं जिसके अंदर आपको 15 मिनट के अंदर एक कस्टमाइज्ड वॉच हम लाइव ऑफर करेंगे हमारे स्टोर्स के माध्यम से. ये देखिए कितने की घड़ी है ये. हम 55,000 रुपए की घड़ी लॉन्च कर रहे हैं. बट गौरव जी एक मेरे को ना एक इश्यू आ रहा है इसमें. अगर आप 20,000 वाले कस्टमर को भी बेच रहे हो और वहाँ आप 25,00,000 वाले कस्टमर को भी बेच रहे हो तो थोड़ा सा ना ब्रांड स्ट्रेटजी में डिफरेंशिएशन आ जाता है कि आप अलग अलग टारगेट कंज्यूमर सेट को थोड़ी पकड़ोगे ऐसे. बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर. बट जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो सर्वाइवल के लिए ना कई चीजें करनी पड़ती है. Not in this business. या तो वो जिनको कन्वीनियंस चाहिए जैसे अमन ने बताया वेरेबल स्मार्ट वॉच, या तो फिर एक एस्पिरेशनल क्लास होता है. राइट. अभी एस्पिरेशनल क्लास ऐसे होता है जो पैसे बचा 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 के यू नो वो एक ज्वेलरी वो खरीदने की एक चाह रखते हैं बिकॉज इसमें ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी. तो उसके वजह से स्केलिंग में आप कुछ हद तक बना सकेंगे डेफिनेटली, पर उसमें भी यू नो देयर इज अ लिमिट कि आप कितना स्केल कर पाएंगे और उस वजह से आई एम आउट. कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड बिल्डिंग अ लग्जरी ब्रांड ये दो अलग अलग चीजें हैं जी. मेरे हिसाब से आपको स्टोर्स खोलने चाहिए जी और थोड़ा सा आप ब्रांडिंग पे और काम कर सकते हैं. आई थिंक अपना जो डिजाइन है, लोगो है, जिस तरीके से लिखा है वॉच पे, कई वॉचेस पे बहुत अच्छे से लिखा है पर कईयों पे वो मुझे काफी वीक लगा क्योंकि प्रीमियम में ये चीजें मैटर करेंगी डिटेल.
पर आज मैं इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज पाथ टू बिल्डिंग अ बिग बिजनेस की मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट मैं चाहूंगा कि आप इंडिया से एक लग्जरी ब्रांड बनाएं, तो बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहूंगा कि आप बनाएं और जरूर बनाएंगे। आपने पिछले 9 साल में अभी चलो 2.5 करोड़ का सालाना बिजनेस बना लिया। सर अभी इस साल 4 करोड़ की रन रेट है। चलिए 4 करोड़ का बना लिया, आपकी बात मान लेते हैं, उसमें से आपने 1 करोड़ प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन ये इन्वेस्टेबल कंपनी कहाँ होगी? देखिए सर, मेरी कंपनी स्केलेबल इसलिए है क्योंकि आज जैसे हमने बताया कि हम कॉर्पोरेट बिजनेस में हमारा फोकस हमने लास्ट 1 साल से इंक्रीज किया है, हमने देखा है उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आने लगे। लेकिन वहां पर एक सुपर लग्जरी ब्रांड नहीं बना पाओगे आप। आई थिंक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे लगता है ये नाम भी सही नहीं है। मुझे लगता है आप हो डिजाइनर, आपको नाम रखना चाहिए गौरव मेहता। अगर वो करते हो देन इट कैन बिकम एस्पिरेशनल, आई वॉन्ट टू बाय अ गौरव मेहता वॉच। लेकिन ये एक डिजाइनर का काम है, एक आर्टिस्ट का काम है, आई डोंट थिंक इट्स एन इन्वेस्टेबल कंपनी, एंड इसलिए मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा। बट आई विश यू द बेस्ट, और फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि अगर आप ये 2 रास्ते लेके चलोगे तो एटलीस्ट वो सुपर लग्जरी को और हाई प्राइस कीजिए, और जो नीचे वाली है उसका नाम अलग रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंपनी की स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत क्लियर नहीं लग रही, कभी B2B जो कि लंपी बिजनेस रहेगा, कभी आएगा ऑर्डर कभी नहीं आएगा। मेरे को एग्जिट प्रॉब्लम लगता है कि इससे एग्जिट करना बहुत ईजी नहीं होगा, पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके सक्सेस में भारत का सक्सेस होएगा। अगर आप इसको ग्लोबल कोई कंपनी बनाते हैं जयपुर वॉच और अपने अपने शहर का नाम है तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आई विल बी द बिगेस्ट शेयर लीडर, तो आज मैं आउट हो जाऊँगा, पर ऑल द बेस्ट, जयपुर का नाम रोशन करें। थैंक यू। जयपुर का नहीं, इंडिया का नाम रोशन करें। ऐसा नहीं है इंडिया से लग्जरी ब्रांड नहीं बने। आई लव ओबेरॉय होटल्स, ताज होटल, अगर वर्ल्ड में कहीं भी होता है ना, मेरे को उससे अच्छी हॉस्पिटैलिटी कहीं नहीं दिखती। तो बन रहे हैं, बनेंगे, बट ब्रांड स्ट्रेटजी पे ना मैं आपकी हेल्प करूंगा, यहां नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बाहर करूंगा। अगर आपको कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन करनी है ना, मैं करूंगा। बन सकता है, बहुत सॉलिड है। थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 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 थैंक यू।